हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। दोस्तों, फेमस बॉलीवुड मूवी दंगल में अपना किरदार निभाने वाली एवं आमिर खान की एक छोटी सी बेटी का किरदार निभाने वाली, यानी कि एक लिटिल बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली सुहानी भटनागर हमारे बीच नहीं रही। वे महज 19 साल की थी और उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वे डर्मेटोमाइसाइटिस नामक एक गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी से वे पीड़ित थी और इस बीमारी के खिलाफ उनका दाव न चला और जिंदगी के खेल में वे हार गई। ये उल्लेखनीय है कि जब वो छोटी थी तब उनका दंगल फिल्म में 25,000 बच्चों में से उनका ही सिलेक्शन हुआ था और दंगल में उन्होंने छोटी बबीता का, यानी कि छोटी बबीता फोगाट का किरदार बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया था। दोस्तों, बात करें सुहानी भटनागर की, तो वे सुहानी जो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ब्राइट थी और उनका पढ़ाई के बाद एक्टिंग में ही उसका करियर बनाना था, ऐसी उसकी इच्छा थी। दोस्तों, बता दें कि सुहानी की इस गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी के बारे में उनके माता पिता को सिर्फ 2 महीने पहले ही उनकी इस गंभीर बीमारी का पता चला था। उनके पिता ने बताया कि 2 महीने पहले उनके हाथ में सूजन थी, तब डॉक्टरों ने तमाम टेस्ट करवाए लेकिन सूजन बढ़ती ही चली जा रही थी और फिर उनके पूरे शरीर में सूजन बढ़ने लगी। जब मेडिकल जांच करवाने के बाद पता चला कि उनको डर्मेटोमाइसाइटिस से पीड़ित थी, ऐसी एक गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी है। वो ऐसा माना जाता है कि 10,000 बच्चों में से सिर्फ एक या दो बच्चे में ही ऐसी बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं, जो बीमारी शरीर के मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती है। बाद में जो सुहानी थी उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था और उसको ICU में भी एडमिट करना पड़ा, इतनी उनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी और उनके लंग्स भी धीरे धीरे काम करने बंद हो गए थे, यानी कि उनका शरीर है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ऐसे सिम्टम्स, क्योंकि पूरे शरीर में सूजन बढ़ने लगी थी और पूरे शरीर में पानी का जो प्रवाह था, पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और बाद में सुहानी की जो इम्यूनिटी पावर है, जिसको कहते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, भी कमज़ोर होने लगी थी और उनके पूरे शरीर में पानी भर गया था। जब उनके माता पिता ने डॉक्टरों को उनके इस इलाज के बारे में पूछा, तब डॉक्टर ने बताया कि इस गंभीर बीमारी का इलाज सिर्फ स्टीरोइड्स ही था और स्टीरोइड्स देने के बाद उनकी हालत और बिगड़ने लगी और उनकी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो लगातार कमज़ोर होने लगी थी, जिससे बीमारी से लड़ने की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाने की वजह से वो सुहानी लगातार बहुत ही बीमार होती चली जा रही थी, जिससे सुहानी इस बीमारी से लंबे अरसे तक लड़ नहीं पाई और वे इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। और बाद में पता चला कि उनके फेफड़ों में भी पानी भर गया था और जिसकी बदौलत सुहानी को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दोस्तों, बता दें कि उनके जाने से बॉलीवुड ने एक इमर्जिंग एक्टिंग स्टार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है और मैंने इस वीडियो बनाकर उनको श्रद्धांजलि देने का एक नम्र प्रयास किया है। हम भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनकी आत्मा को वो शांति दे। अगर आप उनके अच्छे फैन हैं, उनके एक्टिंग के फैन हैं, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर RIP लिख सकते हैं।